अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से फ्रॉड की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से फ्रॉड की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से फ्रॉड की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि शान और माया कब आमना, इनसे शान और माया की शादी हो जाने के बाद अब वह माया का और तब्रेज़ी ने सज्जी का आमना सामना हो गया है। लेकिन अब माया बिल्कुल भी खामोश नहीं रहेगी, बल्कि अब अपने हस्बैंड यानी शान को सज्जी की सारी असलियत सब कुछ बता के ही रहेगी कि जो कुछ भी मेरे साथ पहले हो चुका उन्हें वो सब कुछ बता देगी। शान उस पर बहुत ट्रस्ट करता है और माया का इस तरह से देख के शान का अहतमाद और बढ़ चुका है माया पे, और वो माया से यही कहेगा कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आजकल के दौर में भी इतनी वफादार बीवियाँ होती हैं जो अपने शोहर से वफा शुरू होती है और वहीं पर ख़त्म होती है। माया बहुत ज़्यादा खुश है शान के साथ, यानी माया के साथ जो कुछ भी माजी में हो चुका बहुत डिप्रेशन का शिकार थी, लेकिन शादी हो जाने के बाद शान के साथ बहुत ज़्यादा खुश और मुतमईन है। जबकि दूसरी तरफ अब तब्रेज़ यानी सज्जी का बुरा वक्त आने वाला है जब उसके सब कुछ बारे में पता चल जाएगा शान को, यानी जो कुछ भी पैसा दौलत हत्या ने कोशिश कर रहा है। सज्जी जो है वो माया को फ़ोन करते उससे कहता है अब तुम्हारा बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, जिसके बाद माया यही कहती है कि मैंने जो कुछ मुश्किल देखना था वक्त मैंने देख लिया है, अब तुम अपनी खैर मनाओ क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हो चुका है मुझे तो आदत हो गई है इतनी मुश्किल देखने की, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी अभी नहीं हुआ वो अब होने वाला है, अब सज्जी का बहुत बुरा हाल होगा। जबकि दूसरी तरफ माया की जो छोटी बहन है उसके हस्बैंड की डेथ हो जाने के बाद नाइजो यही कहेगा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ। ये बात सुन के माया की छोटी बहन यही कहेगी कि मैं एक बेवा हूँ, आप मेरे बेवा से कैसे शादी कर सकते हैं, जबकि माया अपनी जो थी वो तलाक याफ्ता है लेकिन आपने उसे शादी नहीं की, उनसे इनकार कर दिया। लेकिन नाइजो अपनी गलती की माफ़ी मांगेगा और उसे शादी कर लेगा, यानी वो भी खुश रहेगी अपनी ज़िंदगी में। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखिए जैसे कि माया की जो नंद है वो सज्जी से शादी करने के बाद बहुत ज़्यादा पछताती है, ना उसको सारा दौलत पैसा सब कुछ ले लेगा, जिसके बाद जो है वो शान को भी कुछ भी नहीं पता इस बारे में। शान के सौतेली वालदा यही कहेंगे अपनी बेटी से क्यों ना हम कुछ ना कुछ ऐसा कर लें, लेकिन सज्जी को अपने साथ मिला लेते हैं वरना शान के साथ तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शान और अब माया का बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई है। जिसके बाद सज्जन के पास आएगा और यही कहेगा माया, यानी यही कहेगा माया के बारे में कि अगर आप यही चाहती हैं कि शान की सारी दौलत सारी जायदाद पैसा वगैरह आपके और मेरे पास आ जाए तो आप मेरे साथ जो है वो अपना प्लान बना ले, यानी सज्जी बहुत ही चलाक है उनको भी धोखा दे देगा और उनकी सारी दौलत जायदाद अपने पास रख लेगा। लेकिन अब सज्जी का बहुत बुरा दी एंड होने वाला है। आपको ड्रामा से फ्रॉड नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से फ्रॉड की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से फ्रॉड की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से फ्रॉड की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि शान और माया कब आमना, इनसे शान और माया की शादी हो जाने के बाद अब वह माया का और तब्रेज़ी ने सज्जी का आमना सामना हो गया है। लेकिन अब माया बिल्कुल भी खामोश नहीं रहेगी, बल्कि अब अपने हस्बैंड यानी शान को सज्जी की सारी असलियत सब कुछ बता के ही रहेगी कि जो कुछ भी मेरे साथ पहले हो चुका उन्हें वो सब कुछ बता देगी। शान उस पर बहुत ट्रस्ट करता है और माया का इस तरह से देख के शान का अहतमाद और बढ़ चुका है माया पे, और वो माया से यही कहेगा कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आजकल के दौर में भी इतनी वफादार बीवियाँ होती हैं जो अपने शोहर से वफा शुरू होती है और वहीं पर ख़त्म होती है। माया बहुत ज़्यादा खुश है शान के साथ, यानी माया के साथ जो कुछ भी माजी में हो चुका बहुत डिप्रेशन का शिकार थी, लेकिन शादी हो जाने के बाद शान के साथ बहुत ज़्यादा खुश और मुतमईन है। जबकि दूसरी तरफ अब तब्रेज़ यानी सज्जी का बुरा वक्त आने वाला है जब उसके सब कुछ बारे में पता चल जाएगा शान को, यानी जो कुछ पैसा दौलत हत्या ने कोशिश कर रहा है। सज्जी जो है वो माया को फ़ोन करते उससे कहता है अब तुम्हारा बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, जिसके बाद माया यही कहती है कि मैंने जो कुछ मुश्किल देखना था वक्त मैंने देख लिया है, अब तुम अपनी खैर मनाओ क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हो चुका है मुझे तो आदत हो गई है इतनी मुश्किल देखने की, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी अभी नहीं हुआ वो अब होने वाला है, अब सज्जी का
बहुत बुरा हाल होगा। जबकि दूसरी तरफ माया की जो छोटी बहन है उसके हस्बैंड की डेथ हो जाने के बाद नायल यही कहेगा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ। ये बात सुन के माया की छोटी बहन यही कहेगी कि मैं एक बेवा हूँ, आप मेरे बेवा से कैसे शादी कर सकते हैं। जबकि माया अपनी जो थी वो तलाक याफ्ता है लेकिन आपने उसे शादी नहीं की, उनसे इनकार कर दिया। लेकिन नायल जो अपनी गलती की माफी मांगेगा और उसे शादी कर लेगा, यानी वो भी खुश रहेगी अपनी जिंदगी में। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप दिखाई देखिए जैसे कि माया की जो नंद है वो सज्जी से शादी करने के बाद बहुत ज्यादा पछताती है ना, उसका सारा दौलत पैसा सब कुछ ले लेगा। जिसके बाद जो है वो शान को भी कुछ भी नहीं पता इस बारे में। शान की सौतेली वालदा यही कहेंगी अपनी बेटी से, क्यों ना हम कुछ ना कुछ ऐसा कर लें, पहले सज्जी को अपने साथ मिला लेते हैं, वरना शान के साथ तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि शान और अब माया का बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई है। जिसके बाद सज्जन के पास आएगा, यही कहेगा माया, यानी यही कहेगा माया के बारे में कि अगर आप यही चाहती हैं कि शान की सारी दौलत सारी जायदाद पैसा वगैरह आपके और मेरे पास आ जाए, तो आप मेरे साथ जो है वो अपना प्लान बना लें। यानी सज्जी बहुत ही चलाक है, उनको भी धोखा दे देगा, उनकी सारी दौलत जायदाद के पास रख लेगा। लेकिन अब सज्जी का बहुत बुरा दी एंड होने वाला है। आपको ड्रामा से फ्रॉड नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से फ्रॉड के नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से फ्रॉड की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से फ्रॉड के नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि शान और माया कब आमना, जैसे शान और माया की शादी हो जाने के बाद अब माया का और तब्रेज़ यानी सज्जी का आमना सामना हो गया है। लेकिन अब माया बिल्कुल भी खामोश नहीं रहेगी, बल्कि अब अपने हस्बैंड यानी शान को सज्जी की सारी असली सब कुछ बता के ही रहेगी कि जो कुछ भी मेरे साथ पहले हो चुका उन्हें सब कुछ बता देगी। शान उस पर बहुत ट्रस्ट करता है और माया को इस तरह से देख के शान का अहतमाद और बढ़ चुका है माया पे, और वो माया से यही कहेगा कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आजकल के दौर में भी इतनी वफादार बीवियाँ होती हैं जो अपने शोहर से वफा शुरू होती है और वहीं पर ख़त्म होती है। माया बहुत ज़्यादा खुश है शान के साथ, यानी माया के साथ जो कुछ भी माजी में हो चुका बहुत डिप्रेशन का शिकार थी, लेकिन शादी हो जाने के बाद शान के साथ बहुत ज़्यादा खुश और मुतमईन है। जबकि दूसरी तरफ अब तब्रेज़ यानी सज्जी का बुरा वक्त आने वाला है, जब उसके सब कुछ बारे में पता चल जाएगा शान को, ये जो कुछ पैसा दौलत हथियाने की कोशिश कर रहा है। सज्जी जो है वो माया को फ़ोन करते उससे कहते हैं अब तुम्हारा बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। जिसके बाद माया यही कहती है कि मैंने जो कुछ मुश्किल देखना था वक्त मैंने देख लिया है, अब तुम अपनी खैर मनाओ क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हो चुका है मुझे तो आदत हो गई है इतनी मुश्किल देखने की, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी अभी नहीं हुआ वो होने वाला है। अब सज्जी का बहुत बुरा हाल होगा। जबकि दूसरी तरफ माया की जो छोटी बहन है उसके हस्बैंड की डेथ हो जाने के बाद नायल जो यही कहेगा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ। ये बात सुन के माया की छोटी बहन यही कहेगी कि मैं एक बेवा हूँ, आप मेरे बेवा से कैसे शादी कर सकते हैं। जबकि माया अपनी जो थी वो तलाक याफ्ता है लेकिन आपने उसे शादी नहीं की, उनसे इनकार कर दिया। लेकिन नायल जो अपनी गलती की माफ़ी मांगेगा और उसे शादी कर लेगा, यानी वो भी खुश रहेगी अपनी ज़िंदगी में। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप दिखाई देखिए जैसे कि माया की जो नंद है वो सज्जी से शादी करने के बाद बहुत ज़्यादा पछताती है ना, उसका सारा दौलत पैसा सब कुछ ले लेगा। जिसके बाद जो है वो शान को भी कुछ भी नहीं पता इस बारे में। शान की सौतेली वालदा यही कहेंगी अपनी बेटी से, क्यों ना हम कुछ ना कुछ ऐसा कर लें, पहले सज्जी को अपने साथ मिला लेते हैं, वरना शान के साथ तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि शान और अब माया का बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई है। जिसके बाद सज्जन के पास आएगा, यही कहेगा माया, यानी यही कहेगा माया के बारे में कि अगर आप यही चाहती हैं कि शान की सारी दौलत सारी जायदाद पैसा वगैरह आपके और मेरे पास आ जाए, तो आप मेरे साथ जो है वो अपना प्लान बना लें। यानी सज्जी बहुत ही चलाक है, उनको भी धोखा दे देगा, उनकी सारी दौलत जायदाद के पास रख लेगा। लेकिन अब सज्जी का बहुत बुरा दी एंड होने वाला है। आपको ड्रामा से फ्रॉड नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से फ्रॉड के नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से फ्रॉड के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से फ्रॉड के नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि शान और माया कब आमना, यानी जैसे शान और माया की शादी हो जाने के बाद अब माया का और तबरेज़ यानी सज्जी का आमना सामना हो गया है। लेकिन अब माया बिल्कुल भी खामोश नहीं रहेगी, बल्कि अब अपने हस्बैंड यानी शान को सज्जी की सारी असली सब कुछ बता के ही रहेगी कि जो कुछ मेरे साथ पहले हो चुका यानी वो सब कुछ बता देगी। शान उस पर बहुत ट्रस्ट करता है और माया को इस तरह से देख के शान का अहतमाद और बढ़ चुका है माया पे, और वो माया से यही कहेगा कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आजकल के दौर में भी इतनी वफादार बीवियाँ होती हैं जो अपने शोहर से वफा शुरू होती है और वहीं पर ख़त्म होती है। माया बहुत ज़्यादा खुश है शान के साथ, यानी माया के साथ जो कुछ भी माजी में हो चुका बहुत डिप्रेशन का शिकार थी, लेकिन शादी हो जाने के बाद शान के साथ बहुत ज़्यादा खुश और मुतमईन है। जबकि दूसरी तरफ अब तबरेज़ यानी सज्जी का बुरा वक्त आने वाला है, जब उसके सब कुछ बारे में पता चल जाएगा शान को, यानी जो कुछ पैसा दौलत हथियाने की कोशिश कर रहा है। सज्जी जो है वो माया को फ़ोन करते उससे कहते हैं अब तुम्हारा बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, जिसके बाद माया यही कहती है कि मैंने जो कुछ मुश्किल देखना था वक्त मैंने देख लिया है, अब तुम अपनी खैर मनाओ क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हो चुका है मेरी तो आदत हो गई है इतनी मुश्किल देखने की, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी अभी नहीं हुआ वो होने वाला है, अब सज्जी का बहुत बुरा हाल होगा। जबकि दूसरी तरफ माया की जो छोटी बहन है उसके हस्बैंड की डेथ हो जाने के बाद नारी जो यही कहेगा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ। ये बात सुन के माया की छोटी बहन यही कहेगी कि मैं एक बेवा हूँ, आप मेरी बेवा से कैसे शादी कर सकते हैं। जबकि माया अपनी जो थी वो तलाक याफ्ता है, लेकिन आपने उसे शादी नहीं की, उनसे इनकार कर दिया। लेकिन नारी जो अपनी गलती की माफ़ी मांगेगा और उसे शादी कर लेगा, यानी वो भी खुश रहेगी अपनी ज़िंदगी में। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप दिखाई देखिए जैसे कि माया की जो नंद है वो सज्जी से शादी करने के बाद बहुत ज़्यादा पछताती है, उसको सारा दौलत पैसा सब कुछ ले लेगा, जिसके बाद जो है वो शान को भी कुछ भी नहीं पता इस बारे में। शान के सौतेली वालदा यही कहेंगे अपनी बेटी से क्यों ना हम कुछ ना कुछ ऐसा कर लें, यानी सज्जी को अपने साथ मिला लेते हैं, वरना शान के साथ तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शान और अब माया का बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई है। जिसके बाद सज्जन के पास आएगा और यही कहेगा माया यानी यही कहेगा माया के बारे में कि अगर आप यही चाहती हैं कि शान की सारी दौलत सारी जायदाद पैसा वगैरह आपके और मेरे पास आ जाए तो आप मेरे साथ जो है वो अपना प्लान बना लें। यानी सज्जी बहुत ही चलाक है, उनको भी धोखा दे देगा, उनकी सारी दौलत सारी जायदाद अपने पास रख लेगा। लेकिन अब सज्जी का बहुत बुरा दी एंड होने वाला है। आपको ड्रामा से फ्रॉड नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।